अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज नवाज शरीफ साहब ने बैरून मुल्क जाने पर रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी है। वो पहले रजामंद नहीं थे, उनका इसरार था कि इलाज यहीं हो, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के पुरजोर इसरार पर नवाज शरीफ को मना लिया गया है। और इस हवाले से आज चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज नैप कोर्ट भी पेश हुई, तो उन्होंने मीडिया टॉक में कहा कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए फौरी बाहर जाना चाहिए, दुनिया में जहां भी मुमकिन हो नवाज शरीफ को इलाज के लिए जाना चाहिए। उनसे जब पूछा गया कि वो भी क्या नवाज शरीफ के साथ बाहर जाएंगी, तो उनका कहना था कि मैं अभी फौरी तो ट्रेवल नहीं कर सकती हूं क्योंकि मेरा पासपोर्ट कोर्ट्स के पास है। हम एक्चुअली सुनवा देते हैं आपको कि क्या कहा गया मरियम नवाज की जानिब से, एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन हियर। शबाशी साहब की तरह कौन कौन सा आ जाएगा अगर वो जाते हैं तो, या फैमिली के अफराद साथ? कोई अपील आप कर रहे हैं, कोई दरख्वास्त दे रहे हैं जो है इस हवाले से ईसीएल से नाम निकालने के लिए? मुझे नहीं पता, मैं घर जाके अभी देखती हूँ, पता करती हूँ शबाशी साहब मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ऑब्वियसली अभी फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि मेरा तो पासपोर्ट अदालत के पास है। मेरी ख्वाहिश भी होगी और मेरी बड़ा मुश्किल है कि मियाँ साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएं और मैं ना जा सकूं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि बहुत फिक्र होती है और कंसर्न होता है। लेकिन मियाँ साहब को अगर बिल्कुल उनकी ज़िंदगी का मसला है और बहुत क्रिटिकल है, तो उनको जहां दुनिया में उनका इलाज है उनको जाके अवेल करना। फाइनली आपको जो रिलीफ मिला है, आप कितना शुक्रगुजार होंगी और समझती हैं कि अदलिया से मज़ीद भी आपको रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह ताला सच वाले बाकी रहेंगे। थैंक यू सो मच मरियम। चलो जी। और साथ साथ नवाज शरीफ साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी मौजूद है, जिस पर हुकूमत की जानिब से भी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त भी जमा करवा दी है और कहा जा रहा है कि वजारत दाखिला की जानिब से नैब एडमिनिस्ट्रेशन से राबता किया गया है और लग कुछ यूं रहा है कि जल्द ही नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद इतवार को नवाज शरीफ का बाहर जाने का जो है प्लान नजर आ रहा है। अब तक जो है जो इतलात के मुताबिक वो बैरून मुल्क इतवार को जाते हुए रवाना होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें आज नेशनल असेंबली सेशन की, जिसमें कि इंतहाई गर्मा गर्मी देखने में आई, ऑपोजिशन की जानिब से डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी जाती है। और फिर आज ईवान में हमने देखा कि जो डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक है, उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ऑपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और नारेबाजी के रिएक्शन में उन्होंने उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो जिरगा और मुजाकरात करके टाइम पास कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ टाइम ही पास कर रहे हैं। एग्जैक्टली सुनवाते हैं कि परवेज खटक साहब ने क्या कहा। ये कहते हैं कि ऑर्डिनेंस क्यों ऑर्डिनेंस लाते हो, क्या इन्होंने आईन नहीं पढ़ा है? आईन में ऑर्डिनेंस की गुंजाइश मौजूद है। आज ये जमहूरियत की बात करते हैं, ये कानून की बात करते हैं और हमें सिखाते हैं कि जमहूरियत क्या है, हमें सिखाते हैं कि कानून क्या है। हमने मैंने सारे दौर देखे हैं, ये तो हम दिखाएंगे। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो प्लीज आप बात करेंगे। अगर आपको पाकिस्तान को सही बनाते, अगर आप पाकिस्तान की तरक्की करते तो आवाम आपके साथ खड़े होते। मौलाना साहब कहते हैं कि ये जो जिरगा है ये टाइम पास करने के लिए, और हम भी आपसे टाइम पास कर रहे हैं, क्या कर सकते हो? अगर तुम ये बात करते हो टाइम पास करते हैं। और साथ साथ हमने देखा कि आज असेंबली सेशन में ख्वाजा आसिफ ने भी धुआंधार तकरीर की और अपने खिताब में कहा कि जो इक्तदार में होता है वो सबसे ज्यादा कम इल्म होता है, उनको नहीं पता जब उनके सर से छत गिरेगी तब उन्हें पता चलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन जल्द होंगे और हमारी ही डिमांड पर होंगे। लेट्स लिसन टू ख्वाजा आसिफ ऑल्सो। हो जाएंगे इलेक्शन, फिक्र ना करें, आप सब्र करें, इलेक्शन ही होंगे और जल्दी होंगे, हमारी डिमांड पे होंगे इंशाल्लाह ताला, हमारी डिमांड पे होंगे। आपको वो पता नहीं जो हमें पता है। चलें जनाब स्पीकर, जो इक्तदार में होता है वो सबसे ज्यादा कम इन्फॉर्म्ड होता है। चिराग के नीचे तो हमेरा हमेशा अंधेरा होता है, इनको नहीं पता। इनके ऊपर जब छत गिरेगी फिर पता लगेगा इनको कि छत ऊपर गिर पड़ी है। जनाब स्पीकर, ऐसे लोग जो हैं अपने लीडरों को गालियां पढ़वाते हैं, ऐसे लोग अपने लीडरों को गालियां पढ़वाते हैं। और
और साथ साथ अगर बात कर लें मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने की, तो अब मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। दोनों जानिब से अग्रेसिव बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं, आना है तो इस्तीफा लेकर आओ, बेमानी आना जाना नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी रवैया सख्त होता नजर आ रहा है। आज वजीर आजम इमरान खान से जब हुकूमती मुज़ाकराती टीम और जो चौधरी परवेज इलाही हैं उनकी अलग अलग मुलाकात होती है, तो इस मुलाकात में वजीर आजम की जानिब से बयान सामने आता है कि अगर इस्तीफा ही शर्त है तो मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं, मुज़ाकरात संजीदा होने चाहिए, हुकूमत को एहतजाज से कोई खतरा नहीं, खतरा होता तो धरने वालों को इस्लामाबाद ना आने दिया जाता। अब परवेज इलाही साहब जो है वो आज फिर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। अब तक 4 मुलाकातें वो ऑलरेडी कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि वो फजलुर रहमान को इमरान खान साहब का खसूसी पैगाम जो है वो आज पहुंचाएंगे। ऑपोजिशन की रहबर कमेटी की अगर बात की जाए तो अकरम दुरानी साहब आज नैब कोर्ट में पेश होते हैं। पेशी के बाद उन्होंने जब मीडिया टॉक की तो उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को कहता हूं कि पेश रफ्त के लिए नैब का तरीका ना इख्तियार करे, अगर ये नैब का इख्तियार तरीका किया जाएगा तो ये कभी नहीं चलेगा और रहबर कमेटी ने फैसला किया है कि वजीर आजम के इस्तीफे से पीछे नहीं हटेंगे। लेट्स लिसन टू अकरम दुरानी एज़ वेल। आजादी मार्च चलता रहेगा, दुरानी की पेशियां भी जल्दी जल्दी होंगी, डराने वाली चीजें हैं। परवेज इलाही साहब को मैं कहता हूं कि पेशरफ के लिए नैब का तरीका है तो ये तो कभी भी नहीं चलेगा। रहबर कमेटी ने फैसला किया है कि वजीर आजम के इस्तीफे से नीचे बात पे हम नहीं आ रहे हैं। मजीद जो हम फैसले कर रहे हैं कि इनको पता चल जाए कि ये लोग पीछे हटने वाले हैं। बैक डोर है नहीं, सामने एक ही दरवाजा है रेबर कमेटी का। कोई हमें मैसेज नहीं भेज सकता, इतनी किसी में इतनी जरूरत नहीं है। हम इतनी कमजोर सियासत नहीं कर रहे हैं और ये ना इतना कमजोर आजादी मार्च है। जैसे कि आपने आज का पूरा रन डाउन सुना, हम पहले अपनी डिस्कशन से अपने ऑनरेबल पैनल का इंट्रोडक्शन आपसे करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं जनाब डॉक्टर जरका साहिबा, स्पोक्स पर्सन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब राहिला खादिम हुसैन साहिबा, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रही है जनाब नईमा किश्वर खान साहिबा, फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, जमीयत इस्लाम फेस से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम यहां पर राहिला खादिम हुसैन साहिबा आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सिंस आज की जो बड़ी खबर बनती नजर आई वो नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से जो फैसला सामने आया है कि नवाज शरीफ जो है वो अब बैरून मुल्क जाते हुए नजर आएंगे और इतलात के मुताबिक संडे को, इतवार के रोज जो है उनकी रवानगी जो है वो होती नजर आएगी, तो ये अब इसमें हम किस तरह से इस मामले को देखें? क्या हुकूमत खुद चाहती है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर जाए? उनकी ऑब्वियसली जो मेडिकल ग्राउंड्स पर उनकी जो जमानत हुई है और जो हालात नजर आ रहे हैं, और फिर मरियम नवाज साहिबा ने भी आज अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि दुनिया के जिस मुल्क में भी मेडिकल ट्रीटमेंट उनके लिए बेस्ट है उनको वहां जाना चाहिए। तो अब ये आगे का क्या क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब संडे को जो उनकी इतलात है वो जाते हुए नजर आएंगे मुल्क से बाहर। बहुत शुक्रिया नीलम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जिस तरह से कंडीशन है, उनकी सेहत है, उसके मामले में बहुत तश्वीशनाक बात सामने आती चली जा रही है दिन ब दिन, और उनकी हालत जो है मज़ीद ख़तरे में जाती जा रही है। अगर आपने देखा हो तो पहले भी इसी तरह बात होती रही कि जब मियां नवाज शरीफ साहब बीमार थे और बार बार ट्वीट्स करती थी मरियम बीबी भी और पार्टी के दूसरे रहनुमा भी, और ये इनको बार बार हुकूमत को भी बताया जाता था, अदालत में भी बताया जाता था कि वो बीमार हैं, लेकिन किसी ने भी उस सीरियस सिचुएशन को समझा नहीं और हालत और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उनकी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में डाल दी गई। आज जब वो नैब में चले गए तो तब भी यकीनन आपको पता है कि 10 दिन उनके मुँह से ब्लीडिंग आती रही और वो डेंटिस्ट को दिखाते रहे, जबकि उनकी वो बहुत सीरियस कंडीशन थी उस वक्त। फिर वो सर्विसेज में चले गए, लेके जाया गया उनको, लेकिन अगर आप ये देखें तो तब भी उनके जो ज़ाती मालिश थे डॉक्टर अदनान, जब उन्होंने और हुसैन नवाज साहब ने ट्वीट किया और इन्फॉर्म किया कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो तब जाके इनको होश आई और मियाँ साहब को हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ से अगर आप ये देखें तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस उस जमा हो चुकी हैं और जो है नहायत तश्वीशनाक हालत के अंदर है, और पता नहीं चल रहा कि आखिरकार बनेगा क्या, ये बीमारी क्या है, इसे कैसे डायग्नोज किया जाए। तो
तो ये सब बातें तो उनके जिंदगी के साथ, लेकिन देखिए वो एक कायद हैं, किसी को पसंद हो या ना हो, इस मुल्क की रहनुमाई करते हैं, यहाँ के अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने उस मुल्क में बहुत सर्व किया है, मुंतखब 3 दफा के वजीर आजम रहे हैं, इस तरह का सलूक उनके साथ करना ये कोई मुनासिब रवैया नहीं रहा। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो आपको इनके बहुत सारे वुजरा, उनके इनके बहुत सारे मशीरान, फातिम साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया, हम हुकूमत से पूछ लेते हैं, यहाँ पर हम हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लेते हैं। डॉक्टर जरका हमारे साथ मौजूद है, फिर हम नईमा साहिबा की जानिब भी बढ़ेंगे। यहाँ पर डॉक्टर जरका साहिबा, अभी आपने नून लीग की जो रिप्रेजेंटेशन है राहिला साहिबा, उनके पर्सपेक्टिव सुने हैं, उनकी रिजर्वेशन सामने आई है, और अब ये पूरा प्रोसेस हम ऑब्जर्व करते रहे हैं, मेडिकल बोर्ड बनवाया जाता है, फिर वजीर आजम जो है वो अपने शौकत खानम के जो एग्जीक्यूटिव फिजिशियन थे उनको भी कहते हैं कि वो भी इसको आकर जो है इस मामले को देखें। अब संडे को बात होती हुई नजर आ रही है मुल्क से रवानगी की मेडिकल ग्राउंड्स पर, क्या आपको लगता है कि हुकूमत ने 100% जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स पर फैसिलिटेट किया है नवाज शरीफ साहब को? बहुत शुक्रिया नीलम। बात यह है जी कि नवाज शरीफ साहब हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं, लेकिन इस मुल्क के शहरी हैं। हमारा आईन कहता है, हमारे और हमारा जो ईमान है मुसलमान होने के नाते भी, वो ये है कि सब इंसान बराबर हैं और इंसानों में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। यानी नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने इस मुल्क के अस्पताल, अब तो उन्होंने अंदर से देख लिए अस्पताल और जेलें भी, तो इनके पास बहुत मौका था कि ये उनको बेहतर करते। आप मुझे ये बताएं, मेरा आपसे ये सवाल, मैं चाहती हूँ नवाज शरीफ साहब सेहतयाब हों इंशाल्लाह, और अपनी अपने दो जो उनके नर औलाद हैं जो उन्होंने लंदन में रखे हुए हैं, जो दोनों ब्रिटिश सिटीजनशिप के हामिल हैं, वो और प्लस जो इनकी बहुत सारी जायदादें हैं जो इनकी यूके में हैं, वहाँ पर ये जाकर अपने अजली घर में जाके ज़रूर इंजॉय करें, अस्पतालों में जाएं, अपने जो इन्होंने टेस्ट कराने, क्योंकि इनको उन्हीं डॉक्टरों पे एतबार है, हमेशा जब इनको थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती थी तो ये हमेशा वहाँ ही जाते थे। मेरी एक दफ़ा इनसे मार्क्स एंड स्पेंसर में भी मुलाकात हुई थी जब ये अपना लास्ट टाइम एट्रियल फिब्रिलेशन का इलाज कराने गए थे 2016 में। सो बात यह है कि हम तो उनको पूरी तरह वेल विश करते हैं, हमने जो कुछ उनको सपोर्ट दी। सवाल ये उठता है कि क्या इस मुल्क में जो लोग इलीट हैं, जो लोग हुकूमत में हैं, जो लोग पार्लियामेंट में हैं, क्या वो कोई बड़े इंसान हैं? क्या वो आम पाकिस्तानी शहरी से उनके हकूक ज़्यादा हैं? क्या इस रियासत की ये जिम्मेवारी है कि उनको किसी और तराजू में तोला जाए? और जो आम इंसान है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की जेलों में कितने लोग हैं जो सड़ते हैं, गलते हैं, औरतों के बच्चे वहां पैदा होते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, 10-10 हज़ार रुपए पे वो सारी जिंदगी अपनी जेलों में गुजारते हैं, क्या उनके लिए कोई और कानून है? देखा तो हमने यही है कि इस मुल्क में जो उमरा हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए कानून कुछ और है, और जो आम आदमी है उसके लिए कानून, लेकिन कुछ ये और फिर है। एक कानून कौन करेगा अमीर और गरीब के लिए? मैं आगे मूव ऑन कर नईमा साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ यहाँ पर। नईमा किशोर खान साहिबा, आपने अभी दोनों जानिब का पर्सपेक्टिव सुना है, और फिर जो नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है, संडे को उनकी रवानगी की खबरें हैं, इतलात हैं, उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव होगा? और दूसरा, हमने देखा कि आज जब मरियम नवाज साहिबा से सवाल किया गया कि क्या अब वो धरने पर जाकर फजलुर रहमान साहब के जो है खिताब करेंगी, तो उन्होंने कहा कि सियासत पूरी जिंदगी चलती रहेगी, वालदैन दोबारा नहीं आएंगे। तो इस बयान को अगर देखा जाए तो इससे क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त जो है शरीफ फैमिली जो है वो सियासत से जो है किनारा कश होती नजर आ रही है, और टोटल फोकस जो है वो नवाज शरीफ की सेहत पर है? दरका साहिबा ने अभी फरमाया कि कानून ये एक के लिए और है, दूसरे के लिए और है, इनका नारा था NRO नहीं मिलेगा। कम अज कम अब तो ये इनको पता चल जाना चाहिए। बुशरा बीबी ने भी कहा कि वजीर आजम इमरान खान है, तो इनको अब 14 महीने में कानून तब्दील करने चाहिए। ये इनका काम है कि क्यों पाकिस्तान में 2 पाकिस्तान आज है, ये तो आज इनको पूछना चाहिए। आज भी ये हमसे सवाल कर रही है कि क्यों है ऐसा, ये तो आज क्यों सरवर साहब कह रहे हैं कि डील हो गई, क्यों फवाद चौधरी कह रहे कि ये क्या हो रहा है, ये तो इनको अपने आप से सवाल करना चाहिए। आपने इंट्रो में कुछ चीजें की है, मैं जरा उस पर आना चाह रही थी। मेरे ख्याल में कल पार्लियामेंट का बदतरीन से आखिरी दिन था,
20 मिनट में 12 ऑर्डिनेंस पास हुए, तकरीबन 8 मिनट में एक ला पास हुआ है पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से आज आवाम पूरी सड़कों पे है, जो डॉक्टर्स का है, जो दूसरे ला से नेप के ऑर्डिनेंस पे भी जो ला है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट हुए, 12 तकरीबन 15 ऑर्डिनेंस थी में। लेकिन नईमा किश्वर साहिबा, इस ऑर्डिनेंस पर तो आज परवेज खटक साहब ने जवाब दिया है, वो कह रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस लाने के बारे में पूछते हैं, तो क्या इन्होंने आईन नहीं पढ़ा? जी मैं उसी पे आ रही हूँ, इन्होंने कहा कि आपने आईन नहीं पढ़ा, तो ये हमसे ना कि हमने आईन बनाया है, हमने पढ़ा नहीं है। इन्होंने कहा मुल्क को इसने तबाह किया, ये उस तबाही में शामिल थे, इसने अभी पीटीआई ज्वाइन की थी, ये उसी पार्टी के में शामिल थे जब जिसने पार्टी पाकिस्तान को दफा किया, जिसने आज स्पीच की है। इसने कहा है कि हम आपको तुन के रख दे और हम भी आपके साथ टाइम पास करें, ये हुकूमती मुजाकराती कमेटी का जो सरबरा है कह रहे, फिर आप अंदाजा लगाए किस तरह से हमारे साथ मुजाकरात हो रहे, जब उसका सरबरा का ये लहजा है। दुरानी साहब को नेब आज बुला रही है, कल जबकि मौलाना साहब का लहजा सख्त हुआ, उन्होंने खुल के कहा कि हम इन दो मुतालबों से नहीं वापस हो रहे, तो आज उसको नेब ने बुला लिया। लेकिन दुरानी साहब ने खुल के कहा कि अगर हमारे साथ मुजाकरात के लिए ये तरीका है हमें हमसे बात करने का, तो ये कभी कामयाब नहीं होगा। क्या नेब इसलिए बनाया गया है कि किसी को डील देनी है, किसी को डील के जरिए रागिब करना है? इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम पे ये चीजें नहीं चलेगी, इसका हम खुल के जवाब देंगे। तो मेरे ख्याल में हमारे पास इन जो आजमाए हुए तरीकों है, हमसे नहीं इस पे बात ना करें। पूछ लेंगे यहाँ पर जब हम हुकूमत की जानिब जाएंगे। लेकिन राहिला खादिम साहिबा, अब ये नवाज शरीफ का नाम जो है वो ECL से निकालने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो दरख्वास्त देते हैं वजारत दाखिला को, उसमें जमा करवा दी गई है और कहा जा रहा है कि जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है वो नैब एडमिनिस्ट्रेशन से जो है अब वो कॉन्टेक्ट करके और फिर उनका नाम ECL से निकलेगा। सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि ECL से नाम निकालने से पहले शरीफ फैमिली से जमानत भी ली जाएगी कि क्या ड्यूरेशन होगी वापसी की? बिकॉज ये जो जमानत है ये 8 हफ्ते के लिए की गई है, इस 8 हफ्ते के बाद क्या होगा उसका रोड मैप हमारे सामने नहीं है अभी तक। देखिए नीलम, मैं रैपिडली क्योंकि तीसरी दफ़ा मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ, यहाँ पर एक बात का जवाब ऑर्डिनेंस का ज़रूर देना चाहिए। ऑर्डिनेंस आपको बहुत अशद ज़रूरत हो तब हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस लेकर आती है, वरना एक प्रॉपर लेजिस्लेशन की जाती है अपोजिशन के साथ मिलके और उसको एतमाद में लेकर पूरे हाउस के अंदर उसको डिबेट में लाया जाता है। पहली बात तो ये कि अगर ये कहें हमने आईन नहीं पढ़ा, हमने ऐसे नहीं किया, तो आईन बिल्कुल पढ़ा है जनाब, आप जरा पढ़ लें, 14 महीने हो गए, आप स्टूडेंट ही बने हुए, आप लर्नर ही रहेंगे सारी, या आप कुछ कर भी लेंगे? यही हाल आपने पंजाब में भी किया हुआ है, जब आपने देखा कि स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर अपोजिशन मौजूद नहीं है तो आप ऑर्डिनेंस के जरिए अपने काम चला रहे हैं। तो लिहाजा ये तरीक़ेकार लेजिस्लेटिव असम्बली के लिए तरीक़ेकार ठीक नहीं है, आपको बहुत अच्छा ज़रूरत हो तब आप ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, वरना अदरवाइज आप प्रॉपर लेजिस्लेशन करते हैं अपोजिशन की स्टैंडिंग कमेटीज के साथ मिलकर, तो यह रवैया ठीक नहीं है। जैसे हमारी बहन ने अभी बात कही कि इनका रवैया उस तरह का हुकूमत में रहने वाले लोगों जैसा नहीं है, ये आज भी कंटेनर के ऊपर मौजूद है। अब आ जाती हूं मैं अपनी बात की, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया शबाशी साहब का, बिल्कुल अभी आपने देखा कि उन्हें मरियम नवाज साहबा की जब जमानत ली तो उसके अंदर उन्होंने तकरीबन कोई 7 करोड़ रुपए की रकम जो है वो भी जमानत उन्होंने ली और एक करोड़ रुपए के मचलके भी लिए उनकी जमानत के लिए। तो अगर ऐसी कोई जमानत देनी पड़ी तो मुस्लिम लीग नून के जो शरीफ फैमिली है वो तो बिल्कुल तैयार बैठी है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मोहम्मद नवाज शरीफ की जो है सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ हम फोकस हैं। उन्हें सेहतमंद होना चाहिए, उन्हें तंदुरुस्त होना चाहिए, उनकी सेहत के ऊपर कोई सियासी काम नहीं करना चाहिए। जैसे ये बात कर रहे हैं अभी भी तमस्खर उड़ाने में, इन लोगों का रवैया आप देख लें कि इनका लीडर कुछ कह रहा है और नीचे इनके वजीर मशीर जो है उनके बयान कुछ और होते हैं। अगर आप इनके हुकूमत से डॉक्टर जरका साहिबा, ठीक डॉक्टर जरका साहिबा, पहले तो आप इसको एड्रेस कर दें, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से जो इशू उठाया गया कि कल नेशनल असेंबली में 15 बिल्स पेश किए जाते हैं जिनमें से 11 बिल्स मंजूर होते हैं और इन 11 बिलों में से 9 ऑर्डिनेंसेस थे जिन्हें बिल की सूरत में मंजूर किया गया, और आज हमने देखा कि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से काफी जो है शोर शराबा रहा असेंबली में। तो 9 ऑर्डिनेंसेस थे जिन्हें बिल की सूरत में मंजूर किया गया था। तो ये डॉक्टर जरका साहब, यहाँ पे ऑपोजिशन क्यों ये शिकायत कर रही है आपसे कि ये हुकूमत ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चला रही है? बहुत अच्छा बात ये है जी कि जाहिर है
जब हमेशा से पाकिस्तान में जो ट्रेडिशन रहा है एक मुसालेहती ट्रेडिशन रहा है कि हुकूमत और ऑपोजिशन एक ही पेज पे होते हैं, इसीलिए तो NRO होते हैं, इसीलिए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, इसीलिए तो मुकमुका होता है कि दोनों एक पेज पे होते हैं, अपने मराआत पूरे करते हैं, असेंबली में जितने लोग बैठे होते हैं उन्होंने अपने मराआत पूरे करने होते हैं और उनको बाकी अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ये तो पहली दफा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जिनको के कहा जाता था कि इनको तो सियासत ही नहीं आती, यानी खुदा की शान देखेंगे जिनको सियासत नहीं आती, नवाज शरीफ साहब पनामा लीक्स जिनको के उन्होंने कहा, अपने एक मुफ्ती साहब ने उन्होंने कहा जी ये तो जमाइमा गोल्डस्मिथ के कजन हैं और वो भी यहूदी हैं, तो विकी लीक्स के बारे में उन्होंने कहा। सो एनीवे जहां पर ये हालात हों, जहां पर आप देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को बेनजीर साहिबा ने चेयरपर्सन फॉरेन अफेयर्स कमेटी लगाया हुआ था और नून लीग की हुकूमत ने उनको चेयरपर्सन कश्मीर अफेयर्स लगाया हुआ था। अब आप मुझे, आप भी जानती हैं मैं भी जानती हूं कि पिछले कई दिहाइयों में, कम से कम दो दिहाइयों में तो क्या काम हुआ फॉरेन अफेयर्स में और कश्मीर पे, क्योंकि ये डेड सब्जेक्ट्स थे। हमारा पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, वो जो इंडिया के एक रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि यहां 14 अरब डॉलर हम हर साल डालते हैं अपना एजेंडा प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जिस वक्त हिंदुस्तान में आप देखिए जमीयत उलमाए हिंद, इस वक्त जो जमीयत उलमाए इस्लाम की जो सिस्टर बॉडी है हिंदुस्तान में, वो इस वक्त मोदी की हुकूमत और मोदी के सारे आमराना जो काम, फैशिज्म जो वो कर रहे हैं कश्मीर में, उसको सपोर्ट कर रही है। वो कह रही है कि कश्मीर में जो मोदी साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उन्हीं के काउंटर पार्ट है इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो इस वक्त जब कश्मीर के ये हालात हैं तो उन्होंने इस वक्त धरना दिया हुआ है। और आपको पता है नवाज शरीफ साहब की भी पुरानी हिस्ट्री है कि जब नवाज शरीफ साहब पे पनामा लीक्स खड़े हुए तो इंडिया ने बॉर्डर गरम कर दिया, वहां गोला बारूद शुरू हो जाता है। सो ये जो नवाज शरीफ साहब ने इन रिटर्न कल भोजन का जिक्र नहीं किया, बात करना चाहूंगी यूनाइटेड नेशन असेंबली में डॉक्टर जरकर, उन्होंने कल भोजन का जिक्र नहीं किया। दूसरा जो नवाज शरीफ साहब अब इलाज के लिए जो है वो मुल्क से बाहर जाते नजर आ रहे हैं, दूसरी जानिब आसिफ जरदारी साहब जो है उनकी भी तबीयत नासाज होने की इतलात है, वो भी इस वक्त जो है हॉस्पिटल में मौजूद है। तो ये क्या आसिफ जरदारी साहब भी आने वाले दिनों में मेडिकल ग्राउंड्स पर ही मुल्क से बाहर जाते नजर आएंगे? नीलम साहिबा, इसका जवाब तो जरका साहिबा दे कि किस किस को NRO मिल रहा है। जरका साहिबा, ये लोग जरा मीडिया पे बैठ के ऐसे फजूल बात छेड़ देते हैं। इन्होंने घी का जवाब दिया तो इनका मेंबर नेशनल टीवी पे बैठ के कहता है कि पठान की मिसाल तो ऐसा है कि 500 रुपए का कंबल 50 रुपए पे बेचते, इनकी ऐसी मैं नहीं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहती, गंदी जुबान ये फटा पठान के बारे में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये जरा अपनी जुबान को भी लगाम दे। दूसरी इन्होंने बात की, मुझे नीलम यहाँ पे कमेंट करना है, उसकी बात है, इन्होंने कहा कि हमारे पास फॉरेन कमेटी की मेंबरशिप थी आपकी जानी बात है राहिला साहिबा, तो ये मैडम शायद भूल कर रही है, जरका साहिबा जरा सुन ले, ये आप भूल रही है कि आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में फाइनेंस कमेटी की चेयरमैनशिप असद उमर के पास थी, आपकी एजुकेशन कमेटी के साथ लकी मरवत से आपका जो MNA था तो उसके पास थी, तो क्या आप उसके के साथ हुकूमत में शामिल थी? ये तो जमहूरी हुकूमत में होता है, अब भी नून लीग के पास कमेटियों की चेयरमैनशिप है, अब भी हमारे पास कमेटियों की चेयरमैनशिप है, क्या हम हुकूमत के हिस्सेदार हुए आपकी? ये तो एक सियासी प्रोसेस है लेकिन आपको नहीं पता। दूसरी बात आपने की कि हम जो हिंद का हिस्सा है तो आप भूल गई है, जो हमें फहर है कि हम देवबंद से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, लेकिन आपको शर्म आती है जब हम कहते हैं कि आप जनरल नियाजी से ताल्लुक रखने वाले लोग हो। आपने पाकिस्तान को दो टुकड़े किया है, आप अपने वाले देन का भी फिर तारीख याद रखें कि आप नियाजी से ताल्लुक रखने वाले लोग हो। ये रिस्पॉन्स का जवाब मैं देना चाहूंगी, कह रही थी कि आप कुछ कहना चाह रही थी जी। डॉक्टर जरका साहिबा हम आपकी जानिब भी आएंगे जी, आपकी जानिब भी आएंगे, राइला साहिबा आप रिस्पॉन्ड कर दे तो हम आगे मूव ऑन करेंगे। मैं नीलम बस इतना बात कहना चाहती थी कि अभी मेरी बहन ने इतना लंबा चौड़ी जो चार्जशीट पेश की है
मुझे ये समझ नहीं आती कि इन्होंने भारतीय आर्मी चीफ की बात की कि 14,000 अरब रुपया वो जनाब पाकिस्तान में इस काम पे के लिए लगा देते हैं प्रोपेगेंडा को मुस्तफीद करने के लिए। तो मुझे समझ लगती है कि आज आपके करतारपुर की राजधानी जब आप खोलने जा रहे हैं तो आज किस खुशी में वहां पर इमरान खान साहब के पोस्टर लगे हैं, उसे कौन जो है फैसिलिटेट कर रहा है वहां पर जनाब? आप तो पासपोर्ट भी नहीं वहां पर एंट्री करने के लिए दे रहे थे, वो तो इंडिया ने आपके ऊपर प्रेशर डाला कि हमारे शहरी आपके पास पासपोर्ट के बगैर नहीं जाते, तो आपको मजबूरन ये काम करना पड़ा। मुझे समझ नहीं आती कि इस मुल्क में जब हम तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत प्रॉपर काम नहीं कर रही तो आप जनाब कह देते हैं आप गद्दार है। इस मुल्क में ये कब सिस्टम खत्म होगा कि अब गद्दारी का ये लेबल देना, गद्दारी के ये सर्टिफिकेट बांटना आप लोग बंद नहीं कर देते? आप लोगों को ये ख्याल ही नहीं आता कि जहां जिस मुल्क में जिसने आपके लिए मुल्क में सर्व किया हो उसके ऊपर आप ऐसे सर्टिफिकेट देना शुरू कर, आपसे मांगे किसने हैं और आप देने के हकदार कैसे हो सकते हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर साहिबा को मौका देती हूँ, ठीक, ऑलराइट। डॉक्टर जरका साहिबा आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा दोनों जानिब से जो पर्सपेक्टिव उठाए गए हैं, क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। जी बिल्कुल, पहले तो हमारी जो बहन जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक रखती हैं उनको मैं ये याद दिलाना चाहूंगी कि जब पाक पार्टीशन हुआ था, जब हिंदुस्तान की बंटवारा हुआ था तो उस वक्त भी इनके भाई जो थे, जो इनके दादा और वो जो भी सीनियर लोग थे, उन्होंने तब भी यूनाइटेड इंडिया को सपोर्ट किया था और पाकिस्तान के सख्त खिलाफ थे। तो ये जो बातें कर रही हैं उसको ज़रा हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दूसरी बात ये, जब मैं मौलाना साहब की एक साइड पर महमूद अचकज़ई साहब को देखती हूँ, जो भी बात, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज ये सिंपल से दीज आर द कर्टसीज वी नीड टू शो ईच अदर। बात कंप्लीट करने दें, डॉक्टर साहब आप मुकम्मल करिएगा। जी जी, महमूद अचकज़ई साहब के भी जो फोर फादर्स थे उन्होंने भी यूनाइटेड इंडिया को सपोर्ट किया था। रही बात करतारपुर की और रही बात गद्दारी की, तो बात सुनिए, जवाब तो आपने देना है कि जब कुलभूषण का केस हिंदुस्तान लेके गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो पाकिस्तान ने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 6 महीने तक अपना कोई उधर मंदूब ही नहीं भेजा था, यानी वो वन साइडेड जीत रहे थे। और यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में जब गए थे नवाज शरीफ साहब तो तब भी उन्होंने कुलभूषण का नाम नहीं लिया था। देखिए बात यह है, अब मुझे ये समझ नहीं आती, नहीं नहीं आप गलत बयानी ना करें, आप इल्जाम की सियासत हर वक्त करते रहा करें ना, आप अपना बताएं, आपकी मुआशी सूरत हाल तो नीचे गिरी हुई है, आप दुनिया में उठेंगे कहां बातें करेंगे? आप लोगों को ख्याल ही नहीं आता, जिसको दिल चाहते हैं आप गद्दार बना देते हैं, जिसको आपका दिल करता है वो बेवतन बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ये बात करने का अंदाज अपना बदलें, आप अपने अंदाज बदलें, बात करने का अंदाज बदलें। हिस्ट्री क्या हिस्ट्री मैं बताऊं आपको इमरान खान साहब की? आप रोजाना बैठ के इंडिया के चैनल के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते थे, आप पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बातें किया करते थे, वो आपका लीडर नहीं था? नहीं नहीं, वो कोई लीडर नहीं था, आप ही का लीडर करता रहा ना इंडियन चैनल पे बैठ के, मोदी को फोन करके मिलते करते रहे आप, और यहाँ बातें कर रहे हैं आगे आए मुल्क का साथ दीजिए, अजीब बात कर रही हैं आप, मुल्क के अगेंस्ट साहिबा। यहाँ पर करतारपुर राहदारी प्रोजेक्ट की अगर बात कर ली जाए तो कल अब उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है, वजीर आजम इमरान खान जो है इसको इनॉग्रेट करेंगे, इफ्तिताह करेंगे, और पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि एक साल के जो कलील अरसे में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया है, और पूरी सिख कम्युनिटी जो है उसके लिए ये एक तोहफा जो है पेश किया गया है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट होता है और उसको बेटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए जा रहे हैं, तो इसमें तो क्या तमाम ऑपोजिशन को साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? क्योंकि ये मामला तो पाकिस्तान के इमेज का है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। देखिए ये इमेज हमें आज याद आ गई, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक साल में हुए, इस पे काम जरदारी साहब ने शुरू किया था, लेकिन पता नहीं क्यों जरदारी साहब के वक्त में ये एक गलत इमेज था और उसको नहीं करने दिया गया। दूसरी बात यह है कि ऐसे वक्त में क्यों, जब कश्मीर में आग उबल रहा है, कल कश्मीर को 100 दिन हुए, आज 101 दिन हुए उधर कर्फ्यू लगे हुए, अगर वो मुसलमानों पे जुल्म डाल रहे हैं, ठीक है हमें अपने जो अकलियती कम्युनिटी है तो हम पाकिस्तान में पाबंद है कि हम उसको फैसिलिटेट करें, और अच्छा इमेज जा रहे हैं, लेकिन ये भी है कि हमने अपनी मुल्क की सलामती को भी देखना है, अपनी सॉवरेनिटी को भी देखना है, हमने उसको पासपोर्ट के बगैर आने नहीं देना। हम साउथ वजीरिस्तान जाते हैं तो हमारे जाने आने की एंट्री का रिकॉर्ड रखा जाता है, हमें बगैर हमारे जो पख्तून इलाके हैं हम बगैर, वो तो कल DGISPR ने आकर इंटरव्यू में कहा है बाकायदा, डे बिफोर यस्टरडे उन्होंने आकर कहा है कि जो सिख जायरीन आएंगे
उनको एक एक हदूद में रखा जाएगा और उन हदूद से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो एक जो लीगल एस्पेक्ट है उसको कंसिडरेशन में रखा गया है। नीलम साहिबा आधा मिनट में लूंगी, देखिए ये मैं सारी बिरादरी पे वो नहीं लगा रही। कुलभूषण का केस हमारे सामने है, चार हमारे जो सिख लोग हैं हमारी रियासत ने उनको सजाए मौत सुनाई है, मैं वो नहीं कर रही। लेकिन ये है कि हमारा मुल्क हमारे सलामती का इशू है, तो ना उनके पास नादरा का सिस्टम है ये भी मैं बता दूं, तो फिर क्यों हम उसको कर रहे हैं? और हम अपने मुल्क के लोगों को बगैर शनाख्ती कार्ड अपने मुल्क में मूवमेंट नहीं करने दे रहे और उनको ये दे रहे, फिर ऐसे मौके पे, फिर 9 तारीख को जो अलाम इकबाल के पैदाइश का दिन है, तो फिर क्यों एक दो दिन ये आगे पीछे हम नहीं कर सकते थे? थोड़ा दिन हम इंतजार नहीं कर सकते? कश्मीर का इशू जो इतना, कश्मीर में उन्होंने कर्फ्यू लगाया और ये रखा है। दूसरी चीज एक अहम इशू की तरफ मैं आप, लेकिन इन दोनों मामलों को अलहदा रखना चाहिए, करतारपुर प्रोजेक्ट को और कश्मीर इशू को अलग रखना चाहिए, ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है प्रोजेक्ट करते हैं। बहरहाल मूविंग ऑन, मैं राहिला खादिम हुसैन साहब आपकी जानिब आऊंगी, और जो आज हमारे सामने नेशनल असेंबली में सेशन होता है, नईमा साहब आप मुकम्मल कर लीजिएगा, हमें अगले टॉपिक की जानिब भी बढ़ना है। मैं एक इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रही थी। 14 महीने इन्होंने कहा कि माशी हमने सूरत हाल खराब कर दी, इन्होंने एक कमीशन बनाई कि पिछले गवर्नमेंट में खासकर 10 साल गवर्नमेंट में जो कर्ज लिए गए थे वो इन्होंने कहाँ इस्तेमाल की। कमीशन की कल रिपोर्ट आई है कि जितने कर्जे लिए right. इस्तेमाल हुए वो अकाउंट वन के तरीके का बिल्कुल इस्तेमाल हुए, उसमें और राइट। राहिला खादिम हुसैन साहिबा, अब यहाँ पर ऑपोजिशन की जानिब से जो है डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की जो करारदाद है वो जमा करवा दी गई है, लेकिन क्या ऑपोजिशन इसके इस अदब एतमाद की जो करारदाद है उसको कामयाब भी करवा पाएगी? क्योंकि हमारे सामने पहले की भी मिसाल मौजूद है, और ये फैसला क्या ऑपोजिशन ने अचानक से किया है या इसके लिए पहले से कोई प्लानिंग की गई थी? क्या हुकूमत के पास इस करारदाद को मंजूर होने से रोकने का कोई लाइमल मौजूद होगा? पहले भी हमने देखा था कि ये जो मामला था ये पार नहीं लगा था आपसे। देखिए नीलम, बात पार लगने की नहीं है, इनको एक्सपोज करने की थी, और उसमें अपोजिशन कामयाब रही। चाहे इसमें हमारा सेनेट का चेयरमैन मुंतखब नहीं हुआ, लेकिन ये जो बड़ा ही शोर मचाया करते थे धांधली का, खरीदारी का, और उसमें पूरी कौम ने इनको एक्सपोज करके होते हुए देखा कि जनाब किस तरह ये खरीदारी कर रहे थे मेंबरान की, किस तरह से उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, किस तरह से उन मेंबरों को खरीद के आपने अपने चेयरमैन के लिए वोट लिया, ये तो सबने नजारा देखा। तो लिहाजा इनकी ईमानदारियां अपनी जेबों में अब डाल के रखें। अब ये दोबारा टेस्ट केस है उसके सामने, नेशनल असेंबली के सामने। कासिम सूरी वाला जो केस है वो तो आई ओपनर है सबके लिए कि किस कदर धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर, किस तरह की रिगिंग की गई है, किस तरह इलेक्शन को चोरी किया गया। यानी कि आप ये देखें कि 65,000 जो वोट बोर्ड के जाली वहां से निकलते हैं उसके ऊपर जो सिर्फ आईडी कार्ड नंबर्स की सीक्वेंस टाइप उसका कर दिया गया, और जब उसके थंब इंप्रेशन की तरफ जाते हैं तो वेरीफाई नहीं हो रहे क्योंकि वो पांव के अंगूठे वहां पर साबित हो रहे, और इतनी बेशर्मी के साथ वहां पर बैठकर वहां पर बिलों की मंजूरी हो रही है कि आप एक दो नहीं, कोई 2-4 हजार नहीं, 65,000 जो वोट है वो जाली हैं। तो अपोजिशन अगर इसके ऊपर अदम एतमाद लेकर आएगी ना तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर तो वो कामयाब होगी, करारदाद जमा भी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में कासिम सूरी साहब नहीं, बहुत सारे इनके मेंबरान वहां पर आपको नजर आएंगे जिनके खिलाफ अदम एतमाद आएगी। राहिला साहिबा आपका पर्सपेक्टिव आ गया, ऑलराइट। डॉक्टर जरका साहिबा एक तो आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, दूसरा आज ख्वाजा आसिफ जो है वो असेंबली में तकरीर करते हैं तो वो बड़े अश्योरेंस से कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्द होंगे और हमारे ही मुतालबे पर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत में रहने वालों को नहीं पता होता, वो सबसे इल इन्फॉर्म्ड होते हैं और जब उनके सर से छत गिरेगी तो उन्हें पता चलेगा। तो आखिर ऐसा क्या है जो ख्वाजा आसिफ साहब को मालूम है और हुकूमत को मालूम नहीं है? बिल्कुल, पहली बात तो ये कि जी इन्होंने अगर तहरीक अदम एतमाद दाखिल कराई है तो जमहूरी प्रोसेस है, जो उसमें होगा वो कर लेंगे, मतलब इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है, रिलैक्स करें। दूसरी बात जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ही थे जब ये हुकूमत में थे, मिनिस्टर थे, तो इनके ऊपर किसी ने आके स्याही फेंक दी थी, इनको भी नहीं पता था ये कोई फंक्शन। देखिए जी मेरे आप ही के लोग, देखिए इस तरह की बातें आप ही के लोग थे ना, मान लेना आप 3 दफा असेंबली ये तरबियत दी है ना, अपनी बारी पर अगर बात करें तो आई एम सॉरी, आप तरबियत दी है ना, ये जो लोग जो सियासी लोग होते हैं कोई तहजीब
किसी कायदे में रहते आप और तहजीब आपने खराब की। बीबी पूरी सियासत की खराब कर दी, पूरी सियासत की खराब कर दी। तीन दफा पार्लियामेंट में रही, बिल्कुल मैं रही हूँ, इसीलिए मैं झूठ नहीं सुन सकती आपसे ना। पूरी सियासत की तरबियत आपने खराब कर दी ना। तहजीब के दायरे जी सब तहजीबें आती हैं, हमें आप मत सिखाए, हमें आप ना सिखाए। हम आपकी तहजीब सीखना भी नहीं चाहते। जो तहजीब आप लोगों ने दी है वो तहजीब हमें ना दे, अपनी तहजीब अपने पास रखे, नहीं बहन अपने पास रखे। अरे ना भूले आप, ना ना हम आपकी तहजीब लेना ही नहीं चाहते। हो रही है, अल्लाह ताला इस कौम को माफ करे। करना सीखे और तहजीब से फेस करना सीखे। प्लीज राहिला साहिबा आपकी जानिब हम आएंगे। डॉक्टर साहिबा आप मुकम्मल कर लें बात तो हम आगे की जानिब बढ़ेंगे। तो समझ नहीं आती क्या करें। एनीवे बात यह है जी कि जो जो जमहूरियत की जो प्रोसेस है वो चलेगी, और अगर आप हिस्ट्री आपको पसंद नहीं आती तो आप हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। हकायक हैं, मैं जो बातें कर रही हूं जो इनको पसंद नहीं आ रही, दे आर फैक्ट्स। आप पुरानी हिस्ट्री पढ़ लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप जाके पार्टीशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो क्या हालात थे, प्लीज पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए कौन से लीडर कहां थे। ख्वाजा आसिफ का भी याद कर लीजिए, वो फुटेज देख लीजिए कि किसने उनके मुंह पे इंक फेंकी थी, वो कौन था और वो कहां से आया था, ताकि आप इस किस्म की देखिए नाजेबा बातें करनी अच्छी नहीं है। आप भी मेरी बहन है, मेरी बहन है आप, हमें हम पाकिस्तानी हैं, हमें ख्वातीन हैं, हमें इज्जत के दायरे में रह के एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। आपका मेरा व्यू डिफरेंट है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बात का जवाब दे दे, आप मुझे तहजीब ना सिखाएं। प्लीज इंटरप्ट ना करें, बात का जवाब दे दे। लेकिन देयर हैज टू बी अ सर्टेन डिकोरम दैट इज फॉलोड। ऐसे नहीं हो सकता कि आप बदतमीजी, जिस तरह सड़क पे कोई मछली बेचने वाले बैठे उस तरह की आप गुफ्तगू करें। अच्छा नीलम, बात ऐसी है कि मछली तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान में बेची, इन्होंने पाकिस्तान में बेची। इन्होंने कौन सा ऐसा 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 आदमी है जिसके ऊपर इन्होंने पर्सनल अटैक नहीं किए, जिसके ऊपर इन्होंने कीचड़ नहीं उछाले? कोई ऐसा शख्स बता दे जो इनके शर से महफूज रहा हो। ये तो जब इनके पार्लियामेंटेरियंस भी शुरू करते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है जी। आउज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मूविंग ऑन, आपके माइक्स दोनों के हमें बंद हमने कर दिए हैं। यहाँ पर नईमा किश्वर खान साहिबा, हम अगर आगे की जानी बढ़े तो आज परवेज खटक साहब जो है वो असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ टाइम पास कर रहे हैं तो हम भी टाइम पास कर रहे हैं। अभी जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं, और फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी स्टेटमेंट आई थी, तो ये जो इस किस्म के अगर बयानात आएंगे तो आपको क्या लगता है कि फिर माहौल जो है किस तरफ जाएगा? क्या किसी किस्म की हम इसमें देखेंगे कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा? फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी सख्त रवैया जो है अख्तियार होता नजर आ रहा है। फिर आज परवेज इलाही की जब वजीर आजम इमरान खान से अहम मुलाकात होती है तो उसमें जब मौलाना से मुजाकरात की बात की जाती है तो वजीर आजम ने भी अब स्टेटमेंट दे दिया कि अगर इस्तीफा ही शर्त है तो मुजाकरात का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर तो डेडलॉक बड़ा एविडेंट होता जा रहा है। देखिए नीलम साहिबा, हमने तो क्लियर कट कर दिया, कह दिया है। देखिए अगर ये रवैये रहे, जिस दिन कमेटी बनी आप उस दिन से लेके उसी शाम को जो वजीर आजम का बयान आया, फिर मुसलसल यही तरीकाकार चल रहा है कि एक तरफ कमेटी बनती है, दूसरी तरफ से एक मिनिस्टर कभी दूसरा मिनिस्टर इस किस्म के बयान देते हैं। मिनिस्टर्स को तो छोड़ दे, कमेटी के मेंबर्स जो मिनिस्टर्स है वो बयान देते हैं, और आज तो हद हो गई कि कमेटी का जो सरबरा है उन्होंने भी बयान इस किस्म के दे दिए कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, हम तो अपोजिशन है, हम तो एहतजाज पे है, हमें हक बनता है। जिस तरह इन्होंने कंटेनर पे जो जुबान इस्तेमाल की, जो रवैये इस्तेमाल किए, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हद तक नहीं है। हमने तो बहुत अच्छे तरीके से महजब अंदाज से डिसिप्लिन नज्म व जब्त के साथ समाजी रवैयों में रहते हुए अभी तक हम अपने एहतजाज में है। लेकिन आज परवेज इलाही साहब कहा जा रहा है कि वजीर आजम का एक खसूसी पैगाम लेकर मौलाना फजलुर रहमान के पास जाएंगे, तो आपके ख्याल में वजीर आजम मौलाना को क्या ऐसी ऑफर दे सकते हैं जिससे कि मौलाना साहब राजी होते हुए नजर आए? तो ठीक है, अगर कोई ऐसी ऑफर आती है, क्योंकि देखिए सियासी मसाइल सियासी तरीकेकार से हल होंगे। ये नहीं है कि हम एक दूसरे पे बंदूक तान के वो करेंगे। हमारा कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हमने एक सिविल सुप्रीमेसी की तहरीक लेके आगे बढ़े हैं, हम एक जमहूरी तहरीक के साथ आगे बढ़े हैं, एक आईनी और कानूनी हदूद में रह के हम आगे बढ़े हैं।
तो मेरे ख्याल में ये इसका मसला भी सियासी लिहाज से अगर कोई चाहे तो हल हो सकता है, लेकिन अगर हम इस किस्म की बयानात देना शुरू करें तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हमारा तो शुरू दिन से दो ही डिमांड है कि या तो इस्तीफा दे या फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे। ना ये गैर आइनी है, ना ये गैर कानूनी है, ना इसमें कोई ऐसी बात है कि ना मानी जाए या कोई हठधर्मी है। ये अलग बात है कि पता नहीं हुकूमत का क्या है, बल्कि हम तो क्या वो करें, डिमांड करें। वजीर अजम का अपना बयान है कि अगर 5,000 बच्चे निकालते तो मुझ में इतनी गैरत है और मैं इतना गैरतमंद हूँ कि मैं खुद से इस्तीफा दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे वजीर अजम के गैरत पे कोई शुबा नहीं है, मुझे लग रहा है कि उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि बंदा कितना खड़ा है बाहर। अगर उनको सही इंफॉर्मेशन कोई दे दे कि 5,000 नहीं 5,00,000 तक बंदा खड़ा है तो वो फौरन इस्तीफा दे देगा, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन कोई सही नहीं दे रहा। 5,00,000 और बंदा तो मेरी बहन बार बार कह रही है कि तारीख पढ़ी जाए, तो मेरे ख्याल में अब तारीख से अगर ये लोग, हम इनको यही बार बार कह रहे कि आप थोड़ा सा कंटेनर से नीचे आ जाए और आगे बढ़े। आप अब अपोजिशन में नहीं है, अब आप हुकूमत में है, अब आप पीछे देखे वाले उससे निकल जाए। अब जरा हमें बता दे कि यहाँ पर डॉक्टर जरका साहिबा, ठीक, अब जरा अपनी कारकर्दगी पे आ जाए तो मेरे ख्याल पर में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा अपनी कारकर्दगी बता दे कि हाँ हमने ये किया है, थोड़ा पूछ लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर जरका साहिबा। अब ये हुकूमती कमेटीज और परवेज इलाही साहब की इतनी मीटिंग्स हो गई हैं, इतनी मुलाकातें हो गई हैं, उसके बावजूद मामला हल होता नजर नहीं आ रहा है। वो लोग रेजिग्नेशन से कम राजी होने पर तैयार नहीं है। एक चीज में बता दूं, नईमा किश्वर साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं? सिर्फ एक चीज, हुकूमती कमेटी की हमारे साथ 3 से 4 मीटिंग हुई है, लेकिन जरा आप आपस में गिन ले आपस में उनकी कितनी मीटिंग हुई है। वो सारा दिन आपस में मीटिंग मीटिंग खेलते हैं। और राइट बैक, क्विकली हमारे शो का वक्त खत्म होने जा रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर जरका साहिबा क्विकली रिस्पॉन्ड करिएगा। ये जो मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हैं, चाहे वो हुकूमती कमेटी हो चाहे चौधरी बरादरान हो, लेकिन बात कुछ बनती नजर नहीं आ रही, तो हुकूमत कब तक इस सूरत हाल को ऐसे ही बर्दाश्त करेगी? क्योंकि इस्लामाबाद में जैसे वेदर कंडीशन है वो बड़ी सवेर होती जा रही है, सर्दी हमारे सामने है। जी 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 बिल्कुल, इमरान खान साहब ने उनको रजाइयां, क्योंकि मौलाना फजलुर्रहमान साहब तो घर चले जाते हैं, एक कंफर्ट में रहते हैं, उनके जो कारकुन हैं वो वहां सड़क पे जमीन पे प्लास्टिक की शीट में बेचारे, 3,000 की तो अमवात वाकया हो गई, तो उनको फर्स्ट एड, उनको बिस्तर, उनको खाना सब कुछ पहुंचाया जा रहा है। जो बात ये अभी हुई थी कारगर्दगी के हवाले से, मैं उसमें 2 पॉइंट बताना चाहूंगी। कारगर्दगी के हवाले से जो सर्क्यूलर डेट $16 अरब का था, वो इस दफा क्योंकि इंपोर्ट्स पे आपने हाथ डाला है तो $13 अरब हो गया है, आपकी उसमें कमी आई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले साल 5 अरब तक हो जाएगा। सो देयर इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, एंड यू आर सीइंग, और डॉलर की कीमत भी नीचे आ गई है, 165 से 155 हो गई है, और इस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट में डॉलर ज्यादा है और ये 150 से भी नीचे जाएगा। तो आप देखती जाइए किस तरह से पाकिस्तान की जैसे जैसे इकोनॉमिक हालत बेहतर होगी, वैसे वैसे जो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनको तकलीफ होगी और वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को किस हर तरह से इंतजार में। मैं नीलम, मैं तो बस इतनी सी बात यहाँ पे कहना चाहती, मेरी बहन ने भी ये बताया। जी जी, सॉरी नीलम, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन सकी। आप मुकम्मल कर ले आप, इट्स ऑलराइट। नहीं नहीं, मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि आप अब यह कारकर्दगी की बात कर रहे थे, तो आप इन 14 महीनों में आपने 15 मंसूबे तो ऐसे थे जो मियां नवाशी के चलाए हुए थे, जिसके ऊपर आपने अपनी तख्तियां लगा ली, आपके नौजवानों के कर्जे ले लें, आप एहसास प्रोग्राम को ले लें, करतारपुर दरादारी को ले लें। डॉक्टर जरका साहिबा और नईमा किश्वर खान साहिबा हमें ज्वाइन करने का, नाजरीन आने वाले दिनों में क्या होता हुआ नजर आएगा, धरना किस करवट बैठता नजर आएगा, नवाज शरीफ साहब की संडे को रवानगी है, वो मामला किस तरफ जाएगा, और आगे जो कल इनॉग्रेशन होने जा रही है करतारपुर प्रोजेक्ट की, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आज के लिए इतना ही, सी ऑल नेक्स्ट वीक, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।